अभी मैं खड़ा हूँ इस सुगौली प्रखंड के प्रमुख पति ध्रुव शाह जी के पास। ध्रुव शाह जी, सबसे पहला सवाल मेरा है कि यहाँ पे जितनी भीड़ लगी हुई है, ये लोग आए हुए थे बीज लेने के लिए, लेकिन तो बीज नहीं मिल पा रहा, इस विषय पर आप क्या कहेंगे? अभी तो हम करीब आधा घंटा पहले ऑफिस में बैठे हुए थे अपने पत्नी के साथ, उसके बाद में मालूम चला कि यहाँ प्रखंड में काम के लिए जो किसान भवन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में भर्ती हुई है। अभी अभी आके हमको पता चला कि काम के लिए यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं है, कृषि विभाग का कोई स्टाफ नहीं है, और टोटल सुबह के 6 बजे से लेकर के जनता अपना अपना घर से भूकटिया से आकर के और यहाँ पर लाइन लगा कर बैठी हुई है कि हमको आज बीज मिलेगा, और बीज का ब्लैकमेल वितरण कर दिया गया, किसानों को बीज नहीं मिल रहा। ये सबसे भारी कमजोरी है यहाँ का जो अधिकारी हैं उन लोगों का, और ये काम कीजिए यहाँ का वीडियो का, जिस पर तो आप मान के चलो गंभीरता से लिया जाएगा इस बात को, विशेष क्या कहा आप लोग देखिए ना, बाकी जनता लोग से पूछिए। तो यहाँ पे जिस तरह की व्यवस्था हमें देखने को मिल रही है, प्रमुख पति ध्रुव शाह जी ने जिस तरह हमें बताया यहाँ कि अव्यवस्था का आलम काफ़ी फैला हुआ है, और इस अव्यवस्था के आलम के शिकार हमारे अन्नदाता किसान हो रहे हैं, तो इस विषय पर हमने पूरी रिपोर्ट आपको दिखाई और इसको किस रूप से और बेहतर बनाया जा सकता है, प्रशासन को और दुरुस्त किया जा सकता है, इस विषय पर इन्होंने कार्रवाई के आश्वासन दिए हैं। प्रतिनिधि लोगों का फर्ज नहीं पड़ता है कि आकर इन लोगों का कंधा कंधा मिलाकर साथ देना चाहिए, बात वो नहीं है, बात ये है कि आप भाषण नहीं दें, आप ये बताएं कि किसानों की समस्याओं पर आपने क्या किया है अभी आने के बाद। अभी हमने जब सुने हैं तो 2 बार फोन लगाए, फोन लगने के बाद में वो बंद कर दिए, हम वहाँ छपुआ जाएंगे उसकी गोदाम पर और उनसे बात करेंगे, और जहाँ तक भी होगा मैं किसान के लिए लड़ेंगे, पीछे नहीं रहेंगे। चलिए, ये एक अच्छी सूचना मिली है कि किसी जन प्रतिनिधि ने हमें ये बताया है कि वो किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, आपके ओर से क्या आश्वासन दिया जाएगा किसानों को? आश्वासन दिया जाएगा जी, सब जो भाई मेरे समिति हैं जो बोल रहे हैं, ये बोले हैं जो प्रखंड प्रमुख की कमी है, हमारे में तो कोई कमी नहीं, हम हक का लड़ाई के लिए तो मुकदमा पहन लिए यहाँ पर। ये भी ठीक, थोड़ा दिन पहले आप लोग देखे होंगे मेरे ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर FIR हुआ है जो शौचालय की घुसखोरी मिटाने के चक्कर में, हम तो ब्लॉक टाइटे चला रहे हैं, मगर यहाँ के अफसर जो इतना है, ये सबसे घटिया अफसर सुगौली प्रखंड में, कोई भी विभाग हो, घूस के अलावा इनको कुछ नहीं चाहिए और काम कुछ नहीं होना चाहिए। चलिए आइए नाजिम जी से पूछते हैं, नाजिम जी आप क्या करेंगे किसानों के लिए? होना चाहिए जी, मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार सुगौली प्रखंड प्रभारी बोल रहा हूँ, और मैं इन किसानों के बीच में ये जानना चाहूँगा, और हमारे समिति साहब और हमारे प्रमुख महोदय साहब ने भी ये बात कहा कि हम यहाँ टाइट, जन पंचायत समिति लोग भी टाइट हैं, प्रमुख साहब भी टाइट हैं, जो भी यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी लोग हैं वो बिल्कुल, कोई भी विभाग हो या इंदिरा आवास का विभाग हो, ये FRC का विभाग हो, BO का, आंगनबाड़ी का विभाग हो, हर चीज़ में घुसखोरी, हर चीज़ में भ्रष्टाचारी हो रहा है। तो मैं इन किसानों से कहना चाहूँगा कि अब हम लोग प्रमुख की और कोई जनप्रतिनिधि का योजना नहीं बनाए, हम लोग डायरेक्ट सारे किसान मिलकर BO का ऑफिस है वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे एक हंगामा करें, जो भी चीज़ जिस ऑफिस से अगर घुसखोरी का बात हो रहा है और हमारा काम नहीं सुन रहा है, हम सब जनता मिलके एक बार टाइट होकर उसका समाधान हम लोग खुद करें, ये हम लोगों का सोच है। मतलब सामूहिक प्रयास के लिए न्योता दे रहे हैं नाजिम जी आप सभी किसानों को। चलिए, यह एक सुखद समाचार है कि आपके साथ खड़ा होने के लिए कोई खड़ा है।